उत्तराखंड के पौड़ी जिले में जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला अधिकारी ने PCPNDT के तहत जन्म रजिस्ट्रेशन सिस्टम व आशा प्रोग्राम के आंकड़ों की जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि विकास खंड सही रिपोर्टिंग कर आंकड़े प्रस्तुत करें, साथ ही अल्ट्रासाउंड सेंटरों में मानक के अनुरूप कार्यवाही करें। इसको लेकर हर महीने टॉक शो भी करवाएं। वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने संबंधित अधिकारी को निर्देशित किया है कि सभी पंजीकृत सरकारी अस्पताल निजी सेंटर को अपने स्तर से बताना सुनिश्चित कर दें। जहां एक्टिव ट्रैकर डिवाइस नहीं लगे हैं या खराब हो चुके हैं, उन्हें एक महीने के अंदर चेंज करें। वहीं गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम के तहत जन जागरूकता हेतु कार्य योजना बनाकर कार्य करें। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार, जिला पंचायत अधिकारी संतोष खेतवाल, डॉक्टर किरण आशीष रावत सहित अन्य उपस्थित थे। पौड़ी से भगवान सिंह की रिपोर्ट। PNDT अधिनियम के अंतर्गत जो गर्भ लिंग निदान की जो तकनीकें होती हैं, जो सेंटर्स होते हैं जनपद में, उन सभी का पंजीकरण करवाया जाता है और इस तरीके से उसके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है कि जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो है बच्चे का जो सेक्स डिटर्मिनेशन होती है वो ना करें, और गर्भ लिंग का जो अनुपात होता है उसके बारे में भी हम लोग जो है समीक्षा करते हैं।